देखते हैं कि ओबीसी सर्टिफिकेट या एससी एसटी सर्टिफिकेट जो बनवाते हैं उससे संबंधित क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो सबसे पहले समस्याएं आती हैं, आप अपने सबसे पहले तो ओबीसी और एससी एसटी का सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाएंगे, उसको दिखाकर आप रेलवे के फॉर्मेट में बनवाते हैं। तो जब आप मुहर लगवाने और साइन करवाने जाते हैं तहसीलदार साहब का या कोई भी मजिस्ट्रेट लेवल का अधिकारी है तो उस पेज पे कहीं भी साइन कर देते हैं। एक जगह दिया रहता है कि यहाँ पे साइन होना चाहिए, वहां ना करके वो कहीं भी साइन कर देते हैं और मुहर भी कहीं लगा देते हैं, तो उससे कोई इशू होने वाला नहीं। उस पेज पे कहीं भी साइन होना चाहिए वो चलेगा। मेरा भी ऐसा ही हुआ था, मेरा भी साइन दूसरे जगह कर दिए थे जबकि जगह दूसरे जगह दिया था, लेकिन उससे कोई इशू नहीं हुआ। मुझे टेंशन था कि कोई इशू होगा लेकिन इशू कोई नहीं हुआ। ऐसे बहुत लोगों को हुआ था, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ डीबी में, बस उस पर मुहर और साइन रहना चाहिए, वो कहीं भी हो पूरे सर्टिफिकेट में चलेगा। इसके अलावा जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसमें आपके पापा का सरनेम छूट जाता है कभी कभी, तो उससे भी कोई इशू होने वाला नहीं है। पापा का बस नाम रहेगा, सरनेम नहीं रहेगा तब भी चलेगा। इसके अलावा फॉर्म भरते समय कुछ लोग उपजाति की जगह अपना सरनेम डाल देते हैं, मतलब उनको डालना होता है, जैसे मैं कुशवाहा हूँ, मेरा टाइटल कुशवाहा है लेकिन उपजाति कोयरी होगा, कोयरी, तो मैं भी कोयरी की जगह फॉर्म अप्लाई करते समय कुशवाहा डाल दिया था और टेंशन में था कि ओबीसी सर्टिफिकेट में कोयरी लिखा हुआ है जबकि मैं फॉर्म में कुशवाहा कर दिया हूँ तो क्या होगा। लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं हुआ, इससे कोई दिक्कत होता भी नहीं है। आपके जो ओबीसी सर्टिफिकेट है उस पर बस लिखा होना चाहिए कि आप अदर बैकवर्ड क्लास में आते हैं नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत। ऐसे यदि आप एससी एसटी हैं तो उसमें लिखा होना चाहिए कि हाँ आप एससी और एसटी के अंतर्गत आते हैं। आपके फॉर्म अप्लाई करते समय आप क्या लिखे हैं, सरनेम लिखे हैं कि उपजाति लिखे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपके सर्टिफिकेट पे बस आपको लिखा होना चाहिए कि आप ओबीसी हैं या एससी हैं या एसटी हैं, ये तो लिखा ही रहेगा, तो इससे कोई इशू होने वाला नहीं है। यदि आप सब कैटेगरी की जगह सरनेम भी डाल दिए हैं तो कोई इशू नहीं होने वाला है। इसके अलावा कुछ लोग कमेंट किए थे कि फॉर्म भरते समय वो लोग कैटेगरी गलत डाल दिए थे और कैटेगरी गलत डाले थे कि जानबूझ के गलत डाले थे, ये तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन यदि आपका ऐसा इशू है तो इसमें आप अपना सर्टिफिकेट तो बनवा नहीं पाएंगे। मान लीजिए आप जनरल हैं और गलती से ओबीसी डाल दिए तो ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा तो पाएंगे नहीं, इससे कोई इशू होने वाला नहीं है। आप डीवी के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं ले जाएंगे यदि आप गलती से डाल दिए तो, आपको जनरल कंसीडर किया जाएगा। वैसे भी आप जनरल हैं, गलती से ओबीसी या एससी एसटी डाल दिए हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। यदि आप सर्टिफिकेट नहीं ले जाते हैं कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट तो आपको जनरल कंसीडर किया जाएगा। यदि आपका कट ऑफ जनरल से अधिक है तो आपका सिलेक्शन होगा और जनरल से कम है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा एक कमेंट आया था कि एक कैंडिडेट है वो ओबीसी हैं गलती से एससी एसटी डाल दिए हैं तो उनका कुछ नहीं होने वाला है। वो ओबीसी हैं गलती से एससी एसटी डाल दिए हैं तो एससी एसटी सर्टिफिकेट तो बनवा नहीं पाएंगे और ओबीसी बनवा सकते हैं लेकिन ले जाएंगे तो कुछ होगा नहीं क्योंकि वो एससी एसटी डाले हुए हैं, तो उनको जनरली कंसीडर किया जाएगा भले ही ओबीसी का सर्टिफिकेट ले जाएंगे, क्योंकि वो एससी एसटी डाले हैं, एससी एसटी का सर्टिफिकेट ले नहीं जा पाएंगे और ओबीसी ले जाएंगे तो ओबीसी का आप डाले ही नहीं है तो आपको जनरल में कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे आपको एक नुकसान होगा कि आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, आप जनरल में कंसीडर किए जाएंगे। तो यदि आप जनरल का कट ऑफ पार किए हुए हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन यदि आप जनरल का कट ऑफ पार नहीं कर पाए हैं तो आपको टेंशन हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि डीवी के समय सर्टिफिकेट, मान लीजिए ओबीसी सर्टिफिकेट या एससी एसटी सर्टिफिकेट नहीं बनवा गए पाए तो क्या होगा। तो देखिए जब भी आप डीवी करवाने जाएंगे वहां पे आपको ओबीसी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा तो आप बोल सकते हैं कि अभी नहीं बनवा पाया, टाइम लग गया मेरे तहसील पे, तो आप टाइम मांग सकते हैं 7 या 10 दिन का 15 दिन का भी टाइम आपको दे दिया जाएगा। वैसे वो मैक्सिमम 10 दिन का देते हैं लेकिन आप 15-20 दिन भी टाइम मांग सकते हैं, आपको मिल जाएगा। एक तो ये कर सकते हैं, या ऐसा हो कि आप आने वाले दिन में भी नहीं बनवा पाएंगे तो आपको जनरल कंसीडर किया जाएगा। मान लिया आपने 15 दिन का टाइम मांगा और 15 दिन के अंदर आप नहीं जमा कर पाते हैं अपना ओबीसी सर्टिफिकेट तो आपको जनरल कंसीडर कर लिया जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। यदि आप गलती से कैटेगरी डाल दिए हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको जनरल में कंसीडर किया जाएगा और आप जनरल का कट ऑफ पार किए रहेंगे तो आपको नौकरी मिलेगा, पक्का मिलेगा। तो ये हो गया कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं उनका आंसर।